स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज करते हैं क्लास 7 के प्रैक्टिस सेट 19 को एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स चैप्टर से। ओके, फर्स्ट है इसमें एंगल्स इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखिए, जो स्ट्रेट लाइन में एंगल बना होता है वो 180 डिग्री का होता है, उसी को लीनियर पेयर एंगल कहेंगे अगर उसके विभाजित करने वाली कोई सेगमेंट क्यू आर रहे। ठीक है, तो क्यू आर एस और पी क्यू आर, इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे देख लेंगे, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो आपको इतना पता है कि जो सम होता है, एडिशन होता है किसका? लीनियर पेयर एंगल का, वो कितने डिग्री डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इतना क्लियर? ओके, टोटल 180 डिग्री। ओके, तो पी क्यू आर प्लस लिख देंगे यहाँ पे एंगल इन अ लीनियर पेयर, एंगल इन अ लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल। कैसे होते हैं? एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल एंड ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? कंडीशन हो गया, फार्मूला हो गया। लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ये तो मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। आपके ड्रा द पेयर ऑफ एंगल एज अ डिस्क्राइब्ड बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल सेव भाई। आपको ड्रा करना है और बताना है कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट आर नॉट एडजेसेंट। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है और दैट आर नॉट एडजेसेंट, तो एडजेसेंट तो होना कंपल्सरी। अगर एडजेसेंट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कंडीशन क्या है? एडजेसेंट होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख देंगे, एग्जांपल है जैसे 45 प्लस 45 90 होगा, 70 प्लस 20 90 हो जाएगा। तो ये सारे एडजेसेंट एंगल ही तो होंगे। ठीक है, जैसे 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। इसमें क्या करना है? ड्रा करना है। तो ये हम ड्रा करके दिखा देंगे। सबसे पहले तो 90 डिग्री का ही एंगल बना लेंगे, फिर 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री का बन जाएगा आपका, और उसके बाद फिर 60 डिग्री हो गया। अब 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, तो हम एक दूसरा 30 डिग्री बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर रेडी हो गया।
60 एंड 30। ओके, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर में जो सप्लीमेंट्री है वो होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको बनाना है लीनियर एंगल्स इन लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री तो होना कंपलसरी, अगर सप्लीमेंट्री नहीं होगा तो वो फिर लीनियर पेयर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख देंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, या डायरेक्ट लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ओके, अब रीजन दे देंगे, बिकॉज बिकॉज द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, आर सप्लीमेंट्री, आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, हमेशा होंगे, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का डायग्राम भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी भी लीनियर पेयर फॉर्म करते ही नहीं। रीजन, वो 90 डिग्री का होता है और लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो 70 प्लस 20 90 होगा। एडजेसेंट एंगल होते हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं होते। सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फिफ्टी फोर्टी हो ओके, ये 50 डिग्री और ये 40 डिग्री। ये एंगल आपका हो जाएगा 40 डिग्री का, ठीक है। तो 50 प्लस 40 90 डिग्री, ऐसे ही आपको ये कंप्लीट कर देना है, एक्स वाई जेड, और ये कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ये सब आपके हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। अब देखिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट अ लीनियर पेयर, आपको एडजेसेंट एंगल बताना है विच आर नॉट लीनियर पेयर। तो एडजेसेंट एंगल वो भी लीनियर पेयर में ना हो तो वो तो हो जाएगा, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर भी
नॉट अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं है, तो वो कैसा हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, नहीं तो कोई और एंगल हो जाएगा, तो ये आपका ड्रा हो जाएगा, ठीक है? तो ड्रा कर देंगे ऐसे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, एंगल बनाया, ट्रायंगल नहीं बनाया, ये एडजेसेंट एंगल हो गए, ठीक है? ये एंगल और ये एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है, पी क्यू आर, और यहाँ पे यस, एंगल्स विच आर नाइदर अ कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री भी ना हो और एडजेसेंट भी ना हो, तो ऐसे एंगल को आपको ड्रा करके बताना है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है और एडजेसेंट भी नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कोई भी एंगल बना दीजिए, ये 90 का कर दिए और वो 20 का, एक रफ फिगर में हमने ये शो कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? ये 45 और ये भी कितने डिग्री का? कोई भी एंगल ले लिया अपने मन से ही, सपोज कर लिया, जिनका एडिशन कितना ना रहे 190 डिग्री ना होने पर, और यहाँ पे देखिए 92 110 हो जाएगा ये, और ये 95, तो भी ये क्या है? नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रहे, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अब तो बाउंडेड हो गया कि 90 डिग्री के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे 70 20 ये सब आप बना सकते हो, तो ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। एंगल्स इन लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये पॉसिबल ही नहीं है। रीजन क्या है? कि कॉम्प्लीमेंट्री लीनियर पेयर हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ओके। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 19 भी कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।